अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों कैसे हो, ठीक हो? अलहमदुल्ला सर, आप सुनाए। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, सारे अपने अपने आरामदेह बिस्तरों में बैठे हुए लेक्चर लेने के लिए। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग हमें बाद में ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अब तक आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ब्रीफ करके बता सकता है हमने बैक एंड पे क्या क्या पढ़ा है या क्या क्या लर्न किया अभी तक? कोई स्टूडेंट थोड़ा सा ब्रीफ कर दे के एक्सप्रेस और नोड जीएस में हमने अब तक क्या क्या देखे है? बच्चे बच्चों अभी तक आप लगता है उठे नहीं, ऑनलाइन सेशन में थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाते हैं। कोई मेरी आवाज सुन रहा है कि रिस्पॉन्स दे रहे कोई बच्चा? अच्छा, हेलो। यस आप लोग इंटरेक्टिव क्यों नहीं हो रहे? सर, वो कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, इसलिए ग्रुप में भी सेंड किया। थिंक चले, ठीक है जी। हमने अब तक नोड जीएस में सिर्फ सर्वर बनाना सीखा है, एक्सप्रेस को कैसे इस्तेमाल करना है वो देखा है, और डिफरेंट यूआरएल्स पे राउट्स कैसे बिल्ड करने हैं। जो हमारा आज मेन टॉपिक है वो है मोंगोडीबी, क्योंकि अभी तक हम डेटाबेस के बगैर काम कर रहे थे। मोंगोडीबी के जरिए अब हम अपना डाटा अपने डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस होती हैं डेटा बेस के बगैर वो सारी फजूल होती हैं। आप OLX उठा लें, अमेजोन उठा लें, फेसबुक उठा लें, हम सब का डाटा कहीं ना कहीं डाटा बेस में पड़ा होता है। अच्छा, जो डाटा बेस होता है ना उसमें बेसिकली चार ऑपरेशन हो रहे हैं। आपने अपने डाटा बेस के कोर्स में ये लफ्ज़ लाजमी पढ़ा हुआ, क्रड। क्रड का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताए? डेटाबेस इसका मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। चलिए ठीक हो गया। इसका मतलब ये बेसिकली चार ऑपरेशन है जो हमने सीखने, और इसके बाद हमारी कहानी खत्म। मतलब हमने डाटा को या तो क्रिएट करना होता है, लाइक अगर आपने यूट्यूब बनाई है, मैंने कोई नई वीडियो अपलोड करनी है वो मैंने सेव कर देनी है। डाटा को रीड करना होता है, फेसबुक में मेरी कौन कौन सी पोस्ट है उनको रीड कर लिया। अपडेट करना होता है, मैंने फेसबुक पे अपने जो है ना यूजर नेम उसको बदलना है। डिलीट करना होता है, मैंने कोई अपनी पिक्चर या पोस्ट को डिलीट करना है। तो क्रड ऑपरेशन है, उनको ही हमने सीखना है और वो कैसे परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के साथ। हमारा मेन टॉपिक ये है। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया आप लोगों के लिए, वी टू क्रड। सीधा हम इधर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है NPM init और डैश वाई, ताकि मैं सवालों के जवाब ना दूं। ये मैंने इधर भी ओपन कर लिया हुआ है वी टू क्रड। अभी ये एक नोट की रेपोजिटरी यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी होगी, और ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई। अच्छा, हमारी जो नोट जेएस की ऐप होती है, आप सारों को पता है उसमें कौन कौन सी पैकेजेस हम लाजमी तौर पे यूज़ करते हैं। पहला पैकेज तो होता है जी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के बगैर हमारी ऐप बिल्ड नहीं होगी। और दूसरा कौन सा पैकेज होता है?
अब तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक npm install express, और express तो हमने इंस्टॉल करना ही करना है, इसके अलावा कौन सा पैकेज हमने इस्तेमाल किया अभी तक? सर ईजीएस का? हाँ जी शाबाश, EJS। अच्छा ये एक नया सिंटैक्स है, इसमें हम एक ही लाइन में तमाम के तमाम पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने लिखा है npm install express EJS, अगर मैंने 5 या 10 पैकेज और मुझे पता है मुझे चाहिए, मैं इसी लाइन पर स्पेस दे के लिखूंगा। मैंने इंटर मारा, अब होगा क्या, अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है ना, मैं अपनी फाइल पे चलता हूँ, ज़रा मैं अपने टैब्स को प्रेस करूँ। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स की फाइल बनाता हूँ, इंडेक्स डॉट js। तो इधर वही पुराना काम जो हम सारे करते आ रहे हैं, एक्सप्रेस रिक्वायर। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप लोगों का डर खत्म हो जाए, ये कुछ भी नहीं है कोड, बंदा बंदा इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। एक्सप्रेस को इन्वोक किया, फिर क्या किया, जी ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे हमने अपना पोर्ट लिखा और इसको कॉल बैक दिया, और कॉल बैक के अंदर हमने लॉग कर दिया सर्वर लिसनिंग एट पोर्ट, यहाँ पे लिख दिया पोर्ट। चलिए, और जो ये पोर्ट है, पोर्ट की क्या बात रही, ये एक वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ पोर्ट, और इसको दे देते हैं 8080 पे फिलहाल। चलो, मैंने एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस को मैंने उसके फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, और सारी सारी ऐप इस ऐप वेरिएबल में मैंने इंस्टॉल कर ली। फिर मैंने एक सर्वर बनाया जो कि लिसन कर रहा है पोर्ट पे, कौन सा पोर्ट, पोर्ट 8080। अच्छा, और अगर मैं पैकेज डॉट जेसन की फाइल देखूँ, देखें डिपेंडेंसी के नीचे एक्सप्रेस भी आ गया, ईजीएस भी आ गया, मतलब कि ये दोनों पैकेज मेरे फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। देखें, ये आ गया नोड मॉड्यूल, यहाँ पे मेरे दोनों पैकेज पड़े हुए हैं। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे रूट लिखता हूँ, इसका नाम रख देते हैं होम ऐप डॉट गेट। होम रूट का एड्रेस क्या होता है जी, स्लैश स्लैश कॉल बैक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सिंपल सा भेज देते हैं जी होम पेज। चले, ये मैंने छोटी सी ऐप बनाई है, इसको चला के देख लेते हैं चल भी रही है कि नहीं। चलिए, सर्वर लिसनिंग एट पोर्ट, इसका मतलब सर्वर तो सुन रहा है, मैं इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ जी लोकल होस्ट स्लैश, ये आ गया जी होम पेज, इसका मतलब मेरी ऐप चल रही है, और जो मैं इस एड्रेस पे जाऊंगा ना स्लैश वाले पे होम एड्रेस, तो वो मुझे रिस्पॉन्स के तौर पे ये टेक्स्ट वापस भेज देगा। अच्छा, अब हमारा मकसद है MongoDB को कनेक्ट करना अपने प्रोजेक्ट के साथ ताकि हम उसके अंदर क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, तो इसके लिए पहला स्टेप देखते हैं वो क्या होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ इनक्विग्निटो विंडो पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी MongoDB। हमने MongoDB की होम पेज पे जाना है, सबसे पहले चले जाते हैं। हर डेटाबेस का होम पेज होता है, एसक्यूएल का, पोस्टग्रेल का, MongoDB का, जहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो हमें बताती है कि हमें डेटाबेस को यूज़ कैसे करना है। अभी MongoDB का होम पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये बड़ा प्यारा अच्छा डेटाबेस है, इसके ये फायदे हैं, दुनिया में कौन कौन सी कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं, हम इसको आसानी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किस तरह मन स्टैक या JS पे ये बिल्ड है, तो ये बड़ा यूज़ करना आसान है। जब आप पहली दफ़ा इधर आएंगे तो आपको ऐसा पेज मिलेगा। अब आपने दो चीज़ें करनी है, या तो आपका पहले से अकाउंट बनाओ, जो कि लाजमी तौर पे अकाउंट नहीं बना होगा तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, आप या यहाँ पे क्लिक कर लें
या स्टार्ट फ्री। अगर आपका जीमेल का अकाउंट बना हुआ है तो साइन अप पे आप क्लिक करें, जीमेल के जरिए साइन अप हो जाएगा तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आपका जीमेल का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप स्टार्ट फ्री पे क्लिक करें, जो कि नामुमकिन है, आपका अकाउंट तो बना ही होगा। ये फॉर्म फिल करें, सिंपल सा फॉर्म है, अपना ईमेल एड्रेस लिखें, पासवर्ड लिखें, लेकिन चूंकि आप लोगों का जीमेल पे अकाउंट बना होगा आपने इस पे क्लिक करना है साइन अप गूगल, तो गूगल के जरिए आप यहाँ पे साइन अप हो जाएंगे। जब आप साइन अप होंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, आप ऑटोमेटिकली इस पे लॉग इन हो जाएंगे। तो वो पूछ रहा है कि भाई आपने कौन से जीमेल के जरिए यहाँ पे साइन इन होना है। चलिए पहला स्टेप तो हो गया, पहला स्टेप यही था कि आपने MongoDB के होम पेज पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बना के साइन अप करना है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे, मैं दोबारा से होम पेज पे जाता हूँ। अच्छा जी, लॉगिन करना है मैंने, थोड़ा सा स्लो चल रहा है इंटरनेट। काफी स्लो चल रहा है। UMT वाला यूज करना है? नहीं नहीं मैं अब मुझे UMT मैं दिल नहीं करता जाने का, मैं यूएमटी नहीं बैठा हुआ, मैं बाहर बैठा हुआ। स्टेज इतना टाइम ले रहा है, MongoDB मुझे इनकी वेबसाइट पे लगता है। सो अच्छा चले हो गया, चूंकि मैंने पहले से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है तो ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। डैशबोर्ड से क्या मैं इधर आता हूँ होम पेज पे, जो मेरा डैशबोर्ड है उस पर चलता हूँ। जब आप पहली दफ़ा लॉगिन करेंगे ना तो आपके सामने इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड क्या होता है बेसिकली, उसमें तमाम के तमाम आपको पता इन्फॉर्मेशन होती है आपके अकाउंट के बारे में, आप कितने डाटा बेसिस रन कर रहे हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है, जब आप पहली दफ़ा लॉगिन करेंगे आपके सामने भी ये सेम डैशबोर्ड आ जाएगा। और ये मेरे तीन प्रोजेक्ट, ये कल मैंने V1 को क्लास पढ़ाई थी तो वहाँ पे बनाया था, ये मैंने घर में बनाए थे दो तीन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं जो मैं बना चुका हूँ, आपका ये खाली शो हो रहा होगा। तो दिस इज़ योर डैशबोर्ड। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे, कि आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसका नाम रख दें। तो यहाँ पे नाम रख देता हूँ जी करंट, आपका सेक्शन V2 है ना, तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, इसको कर दिया नेक्स्ट। अब ये मेरा ईमेल आईडी है और मैं क्या हूँ, मैं प्रोजेक्ट ओनर हूँ, मतलब कि मैं इस प्रोजेक्ट का मालिक हूँ, मैं ही सीएफ डेटाबेस पे इसकी सेटिंग को बदल सकता हूँ। तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया, टाइम हो रहा है। इनकी वेबसाइट जैसा स्लो यूज है, नेट तो वैसे ठीक चल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, तो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे, देखेंगे मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा करंट V2, यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट जो मैं क्रिएट कर चुका हूँ वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप व्यू ऑल प्रोजेक्ट पे जाकर दोबारा से डैशबोर्ड पे जा सकते हैं और एक नया प्रोजेक्ट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। अच्छा, फिलहाल जो है ना करंट V2 प्रोजेक्ट, उसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं पड़ा हुआ, तो ये खाली है, क्रिएट अ डेटाबेस लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे बिल्ड अ डेटाबेस पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, दो पेड है ये और ये, और ये फ्री है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और MongoDB फ्री टायर सारों को ऑफर करता है ताकि वो सीख सकें, इसको आजमा सकें, ये कैसा डेटाबेस है वो हम इस पे बिल्ड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो हम फ्री वाले को चूज़ करते हैं। मैंने फ्री पे क्लिक किया तो ये मुझे ले जाएगा अगले पेज पे, जहाँ पे हम एक इसका क्लस्टर बिल्ड करेंगे। क्लस्टर होता है जी जो MongoDB के सर्वर है ना, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनमें से किसी सर्वर में आपको थोड़ी सी स्पेस एलोकेट कर दी जाएगी जहाँ पे आपका डाटा बेस सेव होगा।
तो आप कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करना चाहते हैं? यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं AWS, अमेजोन। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। और पूरी दुनिया में ये इनके सर्विस पड़े हैं। सबसे करीब तीन हमारे हैं बम्बई इंडिया में, इसके अलावा सिंगापुर, टोक्यो, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। इसके अलावा ये है क्लस्टर नेम, फिलहाल इसका नाम है क्लस्टर 0, आप इसका नाम बदल सकते हैं, लेकिन मैं इसका नाम क्लस्टर 0 ही रहने देता हूँ। क्लस्टर मैंने आपको बता दिया, ये जो इनके सर्वर्स है ना, इनके ऊपर आपका एक क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, आपकी एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे आप अपना डेटाबेस सेव कर सकते हैं। और आपके प्रोजेक्ट मैंने रख दिया कंट्रीब्यूटर, यहाँ पे आपने करना है क्रिएट क्लस्टर। अब आपका क्लस्टर ही क्रिएट होगा, फिर आप उस क्लस्टर के अंदर डेटाबेस बना के अपना डेटा को सेव कर सकते हैं बड़े बड़े आसानी से। सारा ये यूजर इंटरफेस इनका बड़ा ईजी है, उसके थ्रू है। हमने यहाँ पे क्लस्टर बना के इसको अपनी नोड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है बेसिकली। अच्छा, मैंने क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि एक यूजर नेम और पासवर्ड मुझे दो। ये किसके जरूरी है? जब आपने अपने डेटाबेस की सेटिंग को बदलना है ना, तो आपने सेम यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करना है, ताकि कोई हैकर आपके डेटाबेस के साथ छेड़खानी न कर सके। तो मैं यूजर नेम इसको देता हूँ नुमान अंडरस्कोर सलीम, और पासवर्ड आपने कोई अच्छा सा देना है जो आपको याद रहे और ये कभी भूले ना, अदरवाइज आप अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते अपने डेटाबेस के साथ। तो मैंने एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लिया और एक पासवर्ड, ताकि मैं ये दोनों क्रेडेंशियल्स यूज करके अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट यूजर, ये देखें वो कह रहा है आपका यूजर नेम ये है और पासवर्ड जो मैंने लिखा था। अच्छा, इसके अलावा अब वो कह रहा है कि आप कौन से कंप्यूटर से अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड माई करंट आईपी, मैं जिस लैपटॉप पे बैठा हूँ ना उसका आईपी एड्रेस ये है। इस लैपटॉप के अलावा कोई और बंदा मेरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब कोई हैकर है ना, उसको मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका आईपी एड्रेस ये है। तो ये भी एक तरह का सिक्योरिटी फीचर है, ताकि मेरे डेटाबेस में से कोई डाटा जाके उड़ा ना दे मुझसे दुश्मनी निकालने के बाद। तो यहाँ पे एक ऐड माई करंट आईपी एड्रेस के भी मेरे कंप्यूटर से ही मैं बातें करूँ और कोई इससे बातें ना करे। फिर फिनिश एंड क्लोज। तो ये डेटाबेस बनाने की चंद सेटिंग है, आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड बताना है, आपने आईपी एड्रेस करना है, और आपका ये आपका क्लस्टर अब क्रिएट हो रहा है। देखें इसका नाम है क्लस्टर 0, और ये नाम हम बदल भी सकते थे, और इसको क्रिएट होते हुए अभी तकरीबन टाइम लग जाएगा 2 से 3 मिनट। तो ये फिर आपका बम्बई में जो इनका सर्वर है वहाँ पे एक क्लस्टर क्रिएट हो, आप अपना डेटाबेस बना के सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था पहला स्टेप, आप चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, मोंगोस। अब चलते हैं। अच्छा, अब ये सबसे अहम चीज़ है, इसका नाम है मोंगोस। जिस तरह हम पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं लाइक एक्सप्रेस और EJS, इसी तरह एक NPM पैकेज है मोंगोज। ये क्या होता है जी, हम मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने और मोंगो डीबी के अंदर क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये वाला पैकेज इस्तेमाल करते हैं, और इसको बोलते हैं मोंगोज। ये हम क्यों करते हैं? पहली वजह तो ये है कि मोंगो डीबी से डायरेक्ट बातें हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी ना डिफिकल्ट हो जाती हैं, हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस के बगैर भी अपना सर्वर बना सकते थे, अपने रूट लिख सकते थे, लेकिन उस पर हमें कोड बहुत लिखना पड़ना था। अब हमें सिर्फ ये ऐप का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है और बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करके हम अपने काम कर लेते हैं। इसी तरह जो है ना मोंगोज, इसने हमें बने बनाए बड़े ही आसान फंक्शन दे दिए हैं जो मोंगो डीबी से क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो मोंगोज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं मैंने आपको बता दिया। आप डायरेक्ट भी मोंगो डीबी से बातें कर सकते हैं, लेकिन 100% लोग मोंगोज के जरिए मोंगो डीबी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हमें चाहिए मोंगोज। अगर मुझे मोंगोज चाहिए तो पहला लॉजिकल स्टेप क्या होगा, मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा NPM I मोंगोज, क्योंकि ये एक NPM पैकेज है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ये देखें इधर ये इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो दूसरा लॉजिकल स्टेप क्या है, मुझे इसको इसके कोड को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा मोंगोज रिक्वायर मोंगोस। एक्सप्रेस की तरह मैंने इसको इस वेरिएबल के अंदर इसके कोड को मंगवा लिया,
अब इस वेरिएबल जिसका नाम मैंने मोंगोजी रखा है, उसके जरिए मैं डिफरेंट मेथड्स को कॉल करके अपने सारे काम कर लूंगा, जैसे मैं एक्सप्रेस के जरिए काम करता था बड़े इजी तरीके से। अच्छा जी, ये इंस्टॉल हो गया। हाँ जी, हो गया। अगर मैं पैकेजेशन की फाइल देखूँ, अब मेरी डिपेंडेंसी तीन हो गई है, ईजीएस, एक्सप्रेस और मोंगोस। चले, मैंने मोंगोस को तो इंपोर्ट कर लिया। अब मेरा पहला स्टेप क्या है कि मैं मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। ये जो मेरा क्लस्टर है, अब ये बन गया। अब ये जो मैंने क्लस्टर बनाया है ना, इस क्लस्टर के साथ मैं कनेक्ट अपना कनेक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ फ्रॉम माई वेब एप्लीकेशन जो कि मैं बना रहा हूँ। तो ये मेरा क्लस्टर है, ये देखें, ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, क्रड V2 जो मैंने अभी बनाया। फिलहाल इसके अंदर मैंने कोई डेटाबेस नहीं अभी बनाया, ये बस मेरा क्लस्टर है। इस क्लस्टर के अंदर मैं डेटाबेस बनाना और डेटा सेव करना है। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है कनेक्ट, कि मैं इस क्लस्टर के साथ कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करूँ। तो कनेक्शन के तीन तरीके हैं। पहला, कनेक्ट विद मोंगो डीबी शेल, ये हमने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा है कनेक्ट योर एप्लीकेशन, ये हमने इस्तेमाल करना है। तीसरा है कनेक्ट यूजिंग मोंगो डीबी कंपोज, ये हमने इस्तेमाल करना है, बट मैं ये आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, टाइम ज़ाया होगा, बाद में कभी सीखेंगे। तो हमने ये बीच वाला यूज़ करना है, कनेक्ट योर एप्लीकेशन, मतलब हम जो अपनी एप्लीकेशन अपनी लोकल मशीन पे बिल्ड कर रहे हैं ना, उसको कनेक्ट करना चाहते हैं इस अपने मोंगो डीबी के क्लस्टर के साथ। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। वो कह रहा है कि भाई सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके कंप्यूटर पे नोड जेएस इंस्टॉल है, उसका वर्जन इससे ये 4 है या 4 से ऊपर है, वो तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। और फिर वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, दिस इज द लाइन दैट विल कनेक्ट यू फ्रॉम दिस क्लस्टर ऑफ द मोंगो डीबी। आपने इस लाइन को कॉपी कर लेना है और इस लाइन के जरिए आपने अपने मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो मैं इधर आऊंगा मोंगूज पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोंगो डीबी से कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं मोंगूज को इस्तेमाल करते हुए। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आपका बीच में कोई सवाल हो ना, मैं इसको मतलब अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई सवाल हो आप मुझे रुके रोक के पूछ सकते हैं, सर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ओके क्लास में सर। तो ये होता है ना, आपकी शक्ल देख के मुझे पता चल जाता है कि आप कंफर्टेबल बैठे हैं, रो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आ गया डॉक्यूमेंटेशन में मोंगूस की। तो यहाँ पे आते हैं कनेक्शन में, किया मैंने मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट होना, मैं क्या करूँ। बहुत आसान तरीका, ये देखिए, ये लिखा हुआ है मोंगोस डॉट कनेक्ट। वो कह रहा है कि आपने ये फंक्शन यूज करना है जो है ना मोंगोस, हम इस पे ये पहले बना चुके हैं, इंपोर्ट कर चुके हैं मोंगोस का कोड, उसका एक फंक्शन है डॉट कनेक्ट। वो कह रहा है आपने ये फंक्शन यूज करना है और बीच में इसको वो मोंगो डीबी की स्ट्रिंग दे देनी है, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली देखें, ये वाली स्ट्रिंग दे देनी है। और इस स्ट्रिंग के जरिए आपका जो एप्लीकेशन है ना मोंगोस, उसको मोंगो डीबी के क्लस्टर के साथ कनेक्ट कनेक्ट कर देगा। तो ये बहुत ही, मैं इधर आता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ जी, मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोंगो डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट, इसका नाम रख देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं कॉपी दोबारा कर लेता हूँ, मैं इधर आता हूँ, ये देखें, यहाँ पे मैं कैसे आया दोबारा आपको बता दूँ। ये मेरा क्लस्टर है, इस क्लस्टर के साथ मैंने कनेक्ट होना, मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया और ये बीच में कनेक्ट योर एप्लीकेशन, फिलहाल हमें ये ऑप्शन चाहिए और यही हमेशा चाहिए होता है। वो कह रहा कनेक्शन करने के लिए आपने स्ट्रिंग को कॉपी करना है, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को हम गौर से पढ़ें, इसमें तीन चार चीज़ें हैं। ये देखें, ये मेरा है यूजर नेम नोमान सलीम जो मैंने रखा था, और यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड। ये पासवर्ड मैंने यहाँ खुद लिखना है, इसलिए मैं आपको कह रहा था मुझे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड कभी नहीं भूलना चाहिए। तो पासवर्ड मैंने रखा था जी नोमी भाई, आपका पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे खुद से लिख दिया। और तीसरी चीज़ है माई फर्स्ट डेटाबेस, ये आपके डेटाबेस का नाम है जो आप अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं। अब फर्स्ट करें कि हम किसी यूनिवर्सिटी की वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो फर्स्ट करें आप, आपको टास्क मिला है कि आप UMT की वेब एप्लीकेशन बनाएं, आप अपने डेटाबेस का नाम रख दें UMT, सीधा सीधा मतलब जो डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे नाम रख देना है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे माई फर्स्ट डेटाबेस लिखा हुआ था, यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिख देना है।
और बाकी की बाकी स्ट्रिंग वैसे ही रहने देनी है, इसको आपने छेड़ना नहीं। और ये स्ट्रिंग में ये आपका यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, इसके जरिए MongoDB पहचानेगा हाँ ये वही बंदा है, और ये अपने इस जो अपना क्लस्टर है ना, ये क्लस्टर का एड्रेस है, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है। चले अब हमने क्या मेथड पढ़ा था, मोंगोस डॉट कनेक्ट, ये मेथड था, और इस मेथड को हमने क्या देना है, स्ट्रिंग देनी है। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें, मोंगोस डॉट कनेक्ट को हमने ये स्ट्रिंग देनी है, और ये स्ट्रिंग मैंने कौन से वेरिएबल के अंदर सेव की हुई है, अपनी जो MongoDB की कनेक्शन स्ट्रिंग है, या मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक हो गया। सी कनेक्शन के क्या स्पेलिंग होते हैं, COOON होता है ना, जैसे डबल ए नहीं होता है। यस सर, ठीक हो गया कनेक्शन। चलिए इस वेरिएबल के स्ट्रिंग सेव है, मैंने इसको, काम खत्म। अब मेरी ये एप्लीकेशन मेरे MongoDB के साथ कनेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ नोड इंडेक्स JS। अच्छा फिर से वही मसला, मुझे कैसे पता कि भाई MongoDB से मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया कि नहीं हो गया, सर्वर तो मेरा कर रहा है, चल पड़ा है, लिसन कर रहा है, लेकिन MongoDB के साथ कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ मुझे कैसे पता चला, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे ये कैसे पता चला मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले ये बताएं, मतलब मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे ये कैसे पता चला, अभी मैं सर्वर की बात कर वो रहा हूँ, पोर्ट से मैसेज आ जाते ना हमें, ये मैसेज नहीं आ रहा, ये मैंने लाइन प्रिंट कराई है, सही है ना। ये से सर्वर लिसन। हाँ ये जो लिसन है ना, इसके अंदर मैंने लाइन प्रिंट कराई, मुझे पता चल गया। इसका मतलब मुझे डेटाबेस में भी कोई लाइन प्रिंट करनी चाहिए कि यार अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो एक लाइन प्रिंट कर दे कि कनेक्टेड टू MongoDB, अदरवाइज वो एक लाइन प्रिंट कर, एरर भाई मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता, कोई एरर आ एक्सक्यूज मी गया सर, इसको, ठीक। हाँ जी सर आपने बोला कि आपने लाइन प्रिंट करवाई है तो वो प्रिंट हो गई है, तो इसका मतलब कि वो हमारा सर्वर चल रहा है। सर अगर हम वो लाइन प्रिंट करवाएं और प्रिंट ना हो तो उसका वो ये मतलब होगा कि हमारा सर्वर नहीं चल रहा। जाहिर सी बात है, ये जो है ना लिसन का फंक्शन, ये लेता है एक पोर्ट नंबर और दूसरा लेता है ये कॉल बैक। कॉल बैक उसी सूरत में चलेगा जब ऐप डॉट लिसन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका होगा, अदरवाइज ये कॉल बैक का फंक्शन चलेगा ही नहीं। तो जब ये कॉल बैक का फंक्शन चलेगा जिसके अंदर हम लाइन प्रिंट करा रहे हैं, इसका मतलब एवरीथिंग वेंट वेल, हर चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं मोंगोज डॉट कनेक्ट के जरिए सिर्फ अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन अब ये जानने के लिए ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ मुझे क्या करना पड़ेगा, वो देखते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा। इधर आते हैं जी, इधर इधर इधर। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी, अब आपको कुछ चीजें ना यहाँ पे ऑन दी गो सीखनी पड़ेंगी JS की, वो मैं आपको बता दूंगा, वो बड़े आराम से सीख जाएंगे। जो है ना मोंगो डॉट कनेक्ट, ये हमें एक प्रोमिस रिटर्न करता है, प्रोमिस का मतलब होता है हमसे वादा करता है कि ना मैं MongoDB के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दूंगा। दोबारा से सुने, मोंगोज डॉट कनेक्ट का जो फंक्शन है ना, ये हमें एक प्रोमिस रिटर्न करता है, प्रोमिस का मतलब आई विल डू योर वर्क, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमसे काम कर लूंगा। अब JS के अंदर कोई भी चीज आपसे प्रोमिस अगर करती है ना, तो यहाँ पे एक बड़े मजे का सिंटेक्स है, वो क्या है कि मोंगो डॉट कनेक्ट, अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया हम लिखेंगे डॉट देन, इंग्लिश में देन का मतलब होता है तब तुमने क्या करना है। अगर ये पहले वाला काम हो गया जो कि हमें प्रोमिस रिटर्न करता है कि मैं काम करूंगा, देन देन का मतलब फिर तुमने क्या करना है। डॉट देन का फंक्शन लेता है कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट प्रिंट करा दूंगा, मैं जस्ट प्रिंट करा देता हूँ जी कनेक्टेड टू MongoDB, और जो है ना डॉट देन, इसको मैं अगली लाइन पे भी ला सकता हूँ, मैंने स्पेस नहीं देनी, ध्यान रहे मैंने ऐसे स्पेस नहीं देनी, फिर एरर आ जाएगी, बट मैं इसको अगली लाइन पे ला सकता हूँ, ठीक हो गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर मोंगोज डॉट कनेक्ट का फंक्शन सही तरह से इंप्लीमेंट हो गया और हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तब तुमने डॉट देन को चला देना है, और डॉट देन का फंक्शन बाकी तमाम फंक्शन की तरह एक कॉल बैक लेता है, और ये जो कॉल बैक है ना, इस कॉल बैक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कंसोल पे प्रिंट कर रहा हूँ कनेक्टेड टू MongoDB, ताकि मुझे पता चल जाए यार ये तो डॉट डन का फंक्शन चला है, इसका मतलब
मेरा प्रॉमिस फुलफिल हो गया। और इसमें एक और मजे की चीज है, अगर मेरा प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता और MongoDB से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट कैच। जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉट कैच का फंक्शन तब चलता है जब आपको कोई ना कोई एरर आ जाती है। अब डॉट कैच का फंक्शन बाकी फंक्शन की तरह भी एक कॉल बैक लेगा, तो इसको कॉल बैक दी। अब डॉट कैच के अंदर एक जो हमारी एक्सप्रेस की ऐप है ना, वो ऑटोमेटिकली एक पैरामीटर देती है, उसको हम बोलते हैं एरर। जिस तरह ये क्या हो गया, ERROR, अच्छा एरर। ये देखिए ये जो हमारा राउट है, इसके अंदर ये जो कॉल बैक है, इसके अंदर कितने पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये हमने तो नहीं दिए थे ना इसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये एक्सप्रेस ने खुद ही इसको दे दिए थे। इसी तरह जब आप MongoDB के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं ना, तो जो डॉट कैट कैच का फंक्शन है ना, इसके अंदर एक पैरामीटर एक्सप्रेस खुद ब खुद पास करता है, और वो हमेशा एरर होती है, जो कि अगर ये MongoDB कनेक्ट का फंक्शन सही तरह से फुलफिल नहीं होता, तो डॉट कैच का फंक्शन चल पड़ता है और ये एरर इसके अंदर पास हो जाती है। और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं लॉग करा देता हूँ, फेल टू कनेक्ट MongoDB। और इसके अलावा अगर मैं एरर को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एरर को भी प्रिंट करा देता हूँ, ERROR। दोबारा से बताते चलो, मोंगोज डॉट कनेक्ट का एक फंक्शन होता है जो कि MongoDB को कनेक्ट करता है हमारी एप्लीकेशन से, और इसको हम अपने MongoDB का एड्रेस देंगे, और जो हमारा एड्रेस है वो कहाँ पे होगा, वो ये देखें ये वाला एड्रेस है, इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड खुद लिख देना है, और यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम लिखना है जो मैं अपना इस प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। वो मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, वो ये है ग्रेडविटो। तो इस स्ट्रिंग को मैंने दे देना है MongoDB.connect को। अगर ये MongoDB.connect सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया, तो डॉट डन का फंक्शन चलेगा। अदरवाइज अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट ना हुआ, तो डॉट डन का फंक्शन नहीं चलेगा, सिर्फ डॉट कैच का फंक्शन चलेगा। डॉट डन और डॉट कैच जावास्क्रिप्ट के अंदर एक तरीका होता है, जिसके जरिए हम ये देखते हैं कि कोई काम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है कि नहीं हुआ। अगर वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है तो डॉट डेन चलेगा, अगर वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो सिर्फ डॉट कैच चलेगा। और डॉट कैच के अंदर एरर का एक पैरामीटर ऑटोमेटिकली पास होता है, और इस एरर को कंसोल डॉट लॉग करा के प्रिंट करा के भी देख सकते हैं कि यार एरर क्या आई है। अच्छा अब मैंने इसको ऐसे लिखा, मैंने इसको सेव किया, अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ MongoDB को कनेक्ट लिखा और अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करके देखता हूँ। अब की बार आप देखिएगा एक तब्दीली, सर्वर लिसनिंग एंड कनेक्टेड टू MongoDB, या मुझे पता चल गया ओ या मेरी एप्लीकेशन MongoDB के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। अच्छा अब एक बात, अगर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख दूँ गलत, यहाँ पे नोमी भाई की जगह आई मिटा दूँ, फिर क्या होगा, फिर देखते हैं। मैं एप्लीकेशन दोबारा रन करता हूँ, देखें सर्वर लिसनिंग, सर्वर तो मेरा चल पड़ा है, लिखा फेल टू कनेक्ट टू MongoDB, मोंगो सर्वर बैड ऑथ एरर। अब जब मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे गलत लिखा, मतलब मोंगो डोज कनेक्ट चला लेकिन ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो चुका, तो डॉट डन का फंक्शन नहीं चला, डॉट कैच का फंक्शन चला, उसके अंदर मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ फेल टू कनेक्ट MongoDB आगे एरर। तो देखिए प्रिंट हो रहा है फेल टू कनेक्ट MongoDB, आगे जो एरर है मोंगो सर्वर एरर बैड ऑथ। बैड ऑथ का मतलब भाई आपने या तो अपना पासवर्ड गलत लिखा है या आपने यूजर नेम गलत लिखा है, जिसके जरिए आपने आपकी एप्लीकेशन ने अपने क्लस्टर से बातें करनी है, ऑथेंटिकेशन फेल। और जो एरर है, एरर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डॉट मैसेज, कि अगर आप इसको और बेहतर तरीके से एरर को प्रिंट करना चाहें तो मैं इधर आता हूँ, देखें आप ये बैड ऑथ एरर, वो बीच में ये नहीं आ रहा ना, तो बस ठीक है। अब आपको एक चीज कवर होगी होगी, मैं अपना पासवर्ड दोबारा से ठीक लिखता हूँ, कि अगर मोंगो डॉट कनेक्ट सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर ले, कनेक्शन डॉट डन का फंक्शन चलेगा, अगर हमने कोई गलती कर दी या MongoDB के सर्वर पे कोई एरर है, नेटवर्क उनका डाउन हुआ हुआ है, सर्वर सो रहा है, तो डॉट कैच का फंक्शन चलेगा।
अब तक बताएं हमने जो पढ़ा, इस पे कोई सवाल? MongoDB का कनेक्शन पे किसी को कोई मसला है अभी तक? सर एक रिक्वेस्ट है कि आप ना रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करें, ताकि सर हमारा बीच में अक्सर नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हमें क्लास से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर नहीं समझ आता, जो कुछ हिस्सा मिस हो जाता क्लास का। आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें ना बता भूल जाता है, तो रिकॉर्डिंग के बगैर ना गुजारा नहीं। अब देखें ये कनेक्शन टू MongoDB आ गया, मैंने अपना पासवर्ड ठीक कर दिया था। चले हमारा जो पहला मकसद था यहाँ पर लिखते हैं, हमने वो अचीव कर लिया, कनेक्शन टू MongoDB। ये सारे स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ, जितना mongos.connect के जरिए हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, और .deno.catch के जरिए हमने ये इंश्योर किया कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है कि नहीं हो चुका। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करें? अच्छा जी, अब मैं कुछ HTML के पेजेस बनाता हूँ ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़। मैंने अब पेजेस बनाने हैं, तो मुझे अपने मेन फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे मैं अपने सर व्यूज का, व्यूज के अंदर हम अपने HTML के पेजेस रखते हैं। अच्छा, चूंकि हम एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो मैंने डेटाबेस का नाम रखा है UMT इधर, तो व्यूज का पेज, चलिए व्यूज का पेज मैंने बना दिया। लेकिन इससे पहले एक और चीज, आपने डेटाबेस के कोर्स में पढ़ा होगा एंटिटीज का लफ्ज, वो क्या होती है? हर डेटाबेस में एंटिटीज होती है, वो क्या ऑब्जेक्ट होता है, कोई पर्सन होता है जो मेन। हाँ जी, और एंटिटी जिनका हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, डाटा सेव करना चाह रहे हैं, जैसे पर्सन एक एंटिटी है, उसकी आईडी, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, उसका आईडी उसका नेम। बिल्कुल परफेक्ट, डेटाबेस में एंटिटीज उस चीज को रेफर करती हैं जिस चीज का डाटा हम अपने पास सेव करना चाहते हैं। अब अगर हम यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हैं, तो इसमें दो एंटिटीज तो होंगी होंगी, टीचर एंड स्टूडेंट, मींस कि हमें स्टूडेंट का डाटा भी रखना है और टीचर का डाटा भी रखना है। तो हम हर एंटिटी के अगेंस्ट एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने से पहले हम उसका स्कीमा लिखते हैं। स्कीमा भी आपको याद होगा, अभी तो पौना घंटा सवा घंटा क्यों, अच्छा हम आप जो होती है ना एंटिटीज, एंटिटीज के फर्स्ट करें हमारी कौन कौन सी एंटिटी है, एक है स्टूडेंट और एक है टीचर्स। टीचर्स, अब स्टूडेंट का डाटा हम किसके अंदर सेव करते हैं? स्टूडेंट के टेबल के अंदर, याद है ना आपको? और टीचर्स का डाटा हम किसके अंदर सेव करते हैं? टीचर के, ये मैं SQL की बात कर रहा हूँ जो आपने पढ़ा होगा अपने डेटाबेस के कोर्स में। यस सर, यस सही यार, इसको लिख देते हैं MySQL डेटाबेस, ये आपने डेटाबेस के कोर्स में पढ़ा होगा। इसके अंदर हम सबसे पहले एंटिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, वो है स्टूडेंट्स और टीचर्स, और हर एंटिटी का डाटा हम उसके पर्टिकुलर टेबल के अंदर सेव करते हैं। वो टेबल बनाने से पहले हम टेबल का क्या लिखते हैं, लफ्ज याद है? स्कीमा। स्कीमा से क्या मुराद है कि भाई इस टेबल के कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। लाइक अगर स्टूडेंट है, उसके अंदर कितने कॉलम होंगे, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम होगा, स्टूडेंट का लास्ट नेम होगा, स्टूडेंट की एज होगी, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, समझ लगी ना, टेबल के अंदर। इस तरह टीचर में टीचर yes, ठीक हो गया। अब ये सेम जो है ना स्टेप्स हमने MongoDB के अंदर इंप्लीमेंट करने हैं, क्योंकि हर डेटाबेस बनाने का एक ही तरीका होता है, एंटिटीज को आइडेंटिफाई करो और उनका स्कीमा लिखो। तो अब मैं UMT का डेटाबेस बना रहा हूँ या वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है। मैंने पहली एंटिटी आइडेंटिफाई की, वो है स्टूडेंट। तो मैं अपने मेन फोल्डर पे आऊंगा, एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा, उसको नाम दूंगा मॉडल्स का, जो है ना मॉडल्स। मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मैं तमाम एंटिटीज का स्कीमा लिखूंगा। अब जो है ना मॉडल का फोल्डर, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट्स.js। चूंकि स्टूडेंट मेरी पहली एंटिटी है,
मैंने स्टूडेंट्स के नाम से एक फाइल क्रिएट की, और ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है क्योंकि इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। और अब मैंने स्टूडेंट का स्कीमा लिखना है ताकि मैं स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट के टेबल के अंदर सेव कर सकूं। तो स्कीमा लिखने के लिए मुझे क्या चीज़ यूज़ करना पड़ेगा? मोंगोस, क्योंकि मैं सारे काम करूंगा मोंगोस की मदद से। अदरवाइज मुझे मोंगोस के बगैर ये सारे काम करने पड़ते हैं। मोंगोस मोंगोस के कोड को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मोंगोस मैंने इंडेक्स के अंदर भी मोंगोस को इंपोर्ट किया था। ये देखें, मैंने इंडेक्स की फाइल के अंदर इसको क्यों इंपोर्ट किया था, मैंने कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया, कोई मुझे बता सकता है वो कौन और ये सी? मोंगोस कीवर्ड है या ऑब्जेक्ट है? ये एक ऑब्जेक्ट है। देखें ये जो एक्सप्रेस है, ये मैंने इसको एक्सप्रेस के अंदर सेव किया। तो एक्सप्रेस मैंने आपको कंसोल करके कराया था, दिखाया था, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। जो मोंगोज है ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है कनेक्ट। इसी तरह इसके अंदर बेतहाशा मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया ना? इसी तरह मैंने इधर भी मोंगोज को इंपोर्ट किया ताकि मैं स्कीमा लिख सकूं। अब स्कीमा कैसे लिखना है? बड़ा ही आसान तरीका है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नया वेरिएबल, उसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट स्कीमा, के भाई SCHEM, मैं स्टूडेंट का स्कीमा लिखना चाहता हूँ। स्कीमा में मैं आपको बता चुका हूँ उसके कॉलम्स या उसके कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू का कीवर्ड, न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा। इसका मतलब मोंगोस के अंदर एक मेथड होता है, उसका नाम होता है स्कीमा, और न्यू का मतलब है मैं कह रहा हूँ एक नया स्कीमा क्रिएट करो मेरे लिए। मैं मोंगोस को कह रहा हूँ भाई मोंगो मोंगोस मेरे लिए एक नया स्कीमा क्रिएट करो, और उस स्कीमा को क्रिएट करके इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दो। अब ये जो ना मोंगोस डॉट स्कीमा, ये लेता है एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट लिखेंगे जो हम स्टूडेंट के सेव करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में। फर्स्ट करें हम स्टूडेंट का नाम सेव करना चाहते हैं। ठीक हो गया ना? इसके अलावा हम स्टूडेंट का नाम सेव करना चाहते हैं। अब मुझे ये बताना पड़ेगा ये जो है ना नेम, ये आप समझ लें टेबल का कॉलम है। नेम जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो कॉलम के बारे में मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती थी SQL के अंदर? सर ये इंटीजर टाइप है या वॉचर है ये हाँ बताते थे मुझे। बिल्कुल दुरुस्त। तो मैं लिखूंगा पहली प्रॉपर्टी जो मैंने सेव करनी है वो है नेम। तो मैं इसको एक एज अ ऑब्जेक्ट लिखता हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल चीज़ें बतानी है इसके बारे में। मैंने बताना है इसकी टाइप क्या है। इसकी टाइप है जी सिंक, अंडरस्टूड है। इसके बाद मैं कहता हूँ जी इसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी। लाइक फेसबुक आपको कहता है कि आपने अपना जो ने रखना है यूजर नेम वो मिनिमम 4 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। तो मैक्सिमम आपका नाम है ना 20, 20 थोड़ा है, 30, 30 कैरेक्टर से लॉन्ग नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर मैं कहता हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का ये मतलब है कि आपको पता है जब आप फेसबुक पे अपना साइन अप कर रहे होते हैं, अगर आप वहाँ पे साइन अप के टेबल पे फील्ड के अंदर अपना यूजर नेम ना लिखें तो आपको एरर आ जाती है कि काइंडली फिल दिस फील्ड, कि यस सर। आप अपना यूजर नेम खाली नहीं छोड़ सकते। इसी तरह जब मैं स्टूडेंट के डेटाबेस में सेव करूंगा ना, मैंने इसको कहा है जो उसका नेम है ना वो कभी भी खाली नहीं जा सकता। आपके टेबल में कोई ऐसी एंट्री नहीं जा सकती जहाँ पे स्टूडेंट का नेम ही ना हो। तो वो बताने के लिए मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। वहाँ यहाँ लिख दूंगा ट्रू। ट्रू के स्पेलिंग गलत लिखे हैं ना मैंने, TRUE। ठीक हो गया ट्रू। तो ये तरीका है कि मैंने अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और इसी को हम बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है कि हमारे डाटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी टाइप क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, बाकी चीज़ें। अच्छा स्टूडेंट का मुझे एक नेम चाहिए, उसकी एज क्या है, तो इसमें मल्टीपल मैंने चीज़ें बतानी है। एज फर्ज करें वो एक्सक्यूज मी नंबर है। सर, हाँ जी सर हम स्कीमा से मतलब ये भी ले सकते हैं कि हर एक के किसी भी टेबल का इंफॉर्मेशन उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे और एट्रीब्यूट्स के बारे में, वो एट्रीब्यूट की टाइप क्या होगी, उस पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगेंगे, बाकी तमाम इंफॉर्मेशन अबाउट एट्रीब्यूट और कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे। सही ठीक है। है सर। अच्छा अब एज की टाइप है नंबर, क्योंकि नंबर होती है, इसको मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड ट्रू। मतलब मुझे एज भी लाजमी चाहिए, उसके बगैर मैं स्टूडेंट का डाटा अपने सेव नहीं करूँगा। अच्छा
इसके अलावा अगली मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट कैन उसका फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, वो मैंने सेव करना है। तो इसकी टाइप मैं रख लेता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने इसको जमा तफरीक तो करना नहीं, स्ट्रिंग ही ठीक है। इसके अलावा मुझे उसका एड्रेस चाहिए ALDER EES, और इसकी टाइप मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग ही होगी, स्ट्रिंग। और मैक्स लेंथ दे देते हैं ताकि एड्रेस इतना लंबा भी ना हो जाए कि मैं कहूँ यार इसने क्या कर दिया, फर्ज करें 300 कैरेक्टर से लंबा उसका एड्रेस ना हो। इसके अलावा एक चीज़ होती है डेट, ये हम आमतौर पे रखते हैं, तो मतलब कि कौन सी तारीख को ये एंट्री स्टूडेंट फलाना स्टूडेंट हमने अपने डेटाबेस में उसका डाटा सेव किया था। तो इसकी अगर मैं टाइप लिखूँ तो उसकी टाइप होगी डेट, जिसी तरह टाइप होती है ना स्ट्रिंग या नंबर, इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप होती है डेट, तो ये स्पेसिफिक डेट्स को सेव करने के लिए होती है। अच्छा, अब जब आप फेसबुक में कोई पोस्ट जनरेट करते हैं तो नीचे लिखा होता है कि फलानी डेट को जनरेट हुई, आप वहाँ पे डेट तो नहीं लिखते ना? तो जब भी कोई आप स्टूडेंट जनरेट करेंगे आप उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि जब भी स्टूडेंट का डाटा, नया स्टूडेंट का मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा तो वो कौन सी डेट को क्रिएट होगा खुद ब खुद यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेट, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिखूँगा नो, कि आज की जो डेट है ना वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन जाए। जिस तरह ये था ना रिक्वायर, मतलब कि एज मुझे चाहिए ही चाहिए, इसी तरह डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अगर मैं ड्यूरिंग दी साइन अप या स्टूडेंट का डाटा सेव करने के दौरान डेट नहीं भी देता ना कौन सी डेट को मैंने किया, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को मिल गया डेट डॉट नो। नो का मतलब आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल पे इस वक्त जो टाइम है ना वो यहाँ पे सेव हो जाएगा कि ये स्टूडेंट फलानी तारीख को इतने बजे हमने क्रिएट किया। और अगर हम इधर आते हैं जी मोंगोस, मोंगोज में हम देखें जी स्कीमा, ये देखें स्कीमा, ये स्कीमा, ये स्कीमा हम कैसे लिखते हैं, ये वही देखें क्रिएट अ न्यू स्कीमा, ये स्कीमा लिख रहा है, पहले भी ये ब्लॉक के बारे में लिख रहा है कि टाइटल उसकी टाइप स्ट्रिंग है, ऑथर है, उसकी बॉडी क्या है, उसको कौन कौन से कमेंट मिले हैं, ये डेट कौन सी डेट को ये ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये बाकी चीज़ें अभी हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी हम सीधा सीधा देखें। तो ये स्कीमा लिखा है उसने, अच्छा जी, जब और ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक हमने स्ट्रिंग यूज़ की, हमने नंबर यूज़ की, हमने डेट यूज़ की, हम बुलियन भी, हमने बुलियन इस्तेमाल किया कहाँ पे, ये देखें ये जो है ना रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया, तो हमने बुलियन भी इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा अरे भी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स हमने अभी दो तीन देखी हैं जो कि हमें चाहिए। फिर अच्छा, जब हम अपना स्कीमा क्रिएट करते हैं ना, अगला स्टेप होता है अपने स्कीमा को कन्वर्ट करना इन टू अ मॉडल, क्रिएटिंग अ मॉडल। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब तक मैंने क्या काम किया, अब तक मैंने सिर्फ स्टूडेंट का स्कीमा क्रिएट किया है। स्कीमा क्रिएट करने के लिए मैं कह रहा हूँ न्यू, एक नया स्कीमा क्रिएट कर मोंगोज डॉट स्कीमा के जरिए, और इसको मैं एक ऑब्जेक्ट देता हूँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स रख देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इस स्टूडेंट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मैं सेव करना चाहता हूँ, और उन एट्रीब्यूट के बारे में मज़ीद मालूम देता हूँ कि वो किस टाइप का होगा, उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी, वो रिक्वायर होगा कि नहीं होगा, उसकी अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर वो खाली जाता है तो वो क्या होगी। तो ये सारे मैंने स्कीमा बना दिया। अब मेरा अगला स्टेप है स्कीमा को कन्वर्ट करना इनटू अ मॉडल, क्योंकि जब तक मैं इसको मॉडल में कन्वर्ट नहीं करूँगा ना, मैं इसको अपने डेटाबेस में सेव नहीं करा सकता। तो अब मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉस्ट। अच्छा, आप जिस एंटिटी का स्कीमा लिख रहे हो आपने उसी नाम का मॉडल बनाना है, तो मैं स्टूडेंट का स्कीमा लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, और मैंने पहला लफ्ज क्यों कैपिटल लिखा, दिस इज अ कन्वेंशन, कि आपका जो होता है ना मॉडल, आप उसके नाम का पहला लफ्ज हमेशा बड़ा लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा मोंगोस डॉट मॉडल, ये एक फंक्शन है जो कि मेरे स्कीमा को कन्वर्ट करेगा मॉडल के अंदर। अब ये दो पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर। पहला पैरामीटर आपके मॉडल का नाम है, ये आपकी एंटिटी का नाम है, जिस नाम से आप डेटाबेस के अंदर अपने स्कीमा को सेव करना चाहते हैं। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी एंटिटी का क्या नाम है? स्टूडेंट। स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है पहला पैरामीटर आपकी एंटिटी का नाम होगा, जिस नाम से आप अपने डेटाबेस के अंदर इस एंटिटी को सेव करना चाहते हैं, या आपके टेबल का नाम है, इसको आप बोले दिस इज द नेम ऑफ योर टेबल। तो हम लिखेंगे पहला लफ्ज बड़ा स्टूडेंट,
और दूसरा पैरामीटर है हम इसको देंगे स्कीमा। तो यहाँ पर जो मैंने स्कीमा बनाया था, ये स्टूडेंट स्कीमा, इसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने स्कीमा बनाया ना, इसको तुम कन्वर्ट कर दो एक मॉडल के अंदर, और उस मॉडल का क्या नाम रखना है ये देखें, मोंगोडोस मॉडल। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट स्कीमा को कन्वर्ट करो एक मॉडल के अंदर, और मॉडल को नाम दे दो ये, और ये आपके टेबल का नाम है स्टूडेंट, और इस सारे को सेव कर दो इस वेरिएबल के अंदर। और फिर मैं इसको करूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ ताकि मैं इसको अपनी कहीं और इस्तेमाल कर सकूँ इम्पोर्ट करके, जब मैंने MongoDB से बातें करनी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्कीमा बनाया, उसको मॉडल में कन्वर्ट किया, और उस मॉडल को मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया, ताकि मैं इस मॉडल को कहीं भी अब यूज़ कर सकूँ उसको रिक्वायर करके, और अपने इस मॉडल को सेव करा सकूँ अपने MongoDB के अंदर। अच्छा, और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका टेबल का नाम होगा ना, जैसे ये स्टूडेंट है, आपने इसको ऐसे नहीं लिखना स्टूडेंट्स, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, आपने हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वैल्यू यूज करनी है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगा, पर आपके जो है ना MongoDB जो सा ये है, आपके MongoDB के अंदर एक टेबल क्रिएट होगा, उसका नाम होगा स्टूडेंट्स, हालांकि आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है। अगर आप गाड़ियों की वेबसाइट बना रहे हैं आप लिखेंगे कार, आप कार्स नहीं लिखेंगे। अगर आप जमीन डॉट कॉम बना रहे हैं आप लिखेंगे हाउस, आप हाउसेज नहीं लिखेंगे। अगर आप पेट की वेबसाइट बना रहे हैं आप लिखेंगे डॉग, आप डॉग्स नहीं लिखेंगे। अगर आप लोगों की बात करें आप लिखेंगे पर्सन, आप पीपल नहीं लिखेंगे। इसका मतलब आपने यहाँ पे हमेशा सिंगुलर नाम लिखना है, जिसे कहते हैं वाहिद जमा, और सिंगुलर को MongoDB खुद प्लुरल में कन्वर्ट करके उस टेबल का नाम रख देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपने जो टेबल का नाम लिखना है वो हमेशा सिंगुलर में लिखना है, और आपकी जो MongoDB के अंदर यहाँ पे टेबल बनेगा उसका नाम वो रख देगा स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल्सो एन अदर कन्वेंशन, और आपने इसका पहला लफ्ज हमेशा बड़ा रखना है, ताकि ये देख के पता चल जाए वी आर रेफरिंग टूवर्ड्स अ मॉडल, ये स्टूडेंट का एक मॉडल है। और मॉडल बनाने के लिए हमने पहले स्कीमा बनाया, फिर उस स्कीमा को कन्वर्ट किया इंटू अ मॉडल, और अब हम मॉडल को इस्तेमाल करेंगे अपने MongoDB के अंदर स्टूडेंट का डाटा डाटा पे क्रैड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? हमने स्कीमा बनाया और स्कीमा को कन्वर्ट कर दिया इंटू MongoDB मॉडल, और मैंने एक फोल्डर बनाया था मॉडल्स का, इस फोल्डर के अंदर मैंने ये स्टूडेंट की फाइल क्रिएट की और अंदर स्कीमा लिखा। अच्छा, अब हमें करना क्या, अब हम चलते हैं, मैंने व्यूज का एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ STUDE स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, और इस स्टूडेंट्स के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ जी, फाइल का क्या नाम रखूँ, student.ejs। मैंने, और इससे भी पहले एक चीज़ कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ मैं कौन सा व्यू इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बताने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एप डॉट सेट व्यू इंजन, कौन सा व्यू इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, EJS, और एप डॉट सेट, यहाँ पे मैंने बताना है कि जो मेरा व्यूज का फोल्डर है वो कहाँ पड़ा है। मैंने यहाँ पे लिखना है व्यूज और पाथ डॉट ज्वाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम, वो पड़ा स्लैश। इसके अलावा मैं यहाँ पे पाथ को भी रिक्वायर कर लूँ, ये सारी पुरानी चीज़ें जो हम कर चुके हैं, पाथ का जो मॉड्यूल है रिक्वायर पाथ, और एक और चीज़ है मेरे स्टैटिक एसेट्स कहाँ पड़े हैं, स्टैटिक एसेट्स, इसके लिए मैं लिखूँगा ऐप डॉट use express dot static path dot join done name, और static asset मेरे पड़े हैं public के folder के अंदर। चलिए, ये चीजें तो हमने हर application में लिखनी लिखनी है कि static asset कहाँ पड़े हैं मेरे,
और मैं कौन सा व्यू इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा व्यूज़ का फोल्डर कहाँ पड़ा है जी, वो जो मेरी करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर व्यूज़ के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। अच्छा, अब ये मेरा व्यू का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने स्टूडेंट का एक और फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फाइल बनाई न्यू स्टूडेंट। अब ये जो है ना न्यू स्टूडेंट की .egs, इसके अंदर मैं एक फॉर्म रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इधर आता हूँ व्यूज के अंदर, मैं सारे कोड को कॉपी करता हूँ या पेस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं न्यू स्टूडेंट को ओपन करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू स्टूडेंट जो .egs को ओपन करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा लॉजिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? सर रेंडर का फंक्शन यूज करेंगे हम। ठीक हो गया, न्यू स्टूडेंट, मुझे एक वो बनाना पड़ेगा राउट जो कि इस पेज को रेंडर कर दे। तो इसका मैं ऐप डॉट गेट के अंदर लिख देता हूँ, फर्स्ट के अंदर मैं एड्रेस लिखता हूँ स्टूडेंट्स स्लैश न्यू, मतलब कि मैं एक न्यू स्टूडेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, उसका मुझे एक फॉर्म चाहिए। ये जो एड्रेस है ना ये आप खुद लिखेंगे, क्योंकि ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है स्टूडेंट स्लैश न्यू, के स्टूडेंट्स और न्यू, मुझे न्यू स्टूडेंट क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, उसका मुझे एक फॉर्म चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एड्रेस डॉट रेंडर। अच्छा, मैंने रेंडर करना है, मुझे अपने ईजीएस फाइल का एड्रेस बताना है, वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है मेरी। आपको पता है ईजीएस पड़ी होती है व्यूज के अंदर, और व्यूज हमें लिखना नहीं पड़ता, फिर वो फाइल कहाँ पड़ी है? ऑटोमेटिकली जो मेरी एक्सप्रेस ऐप है ना, ये जो है ना व्यूज के अंदर, उसको पता है मेरी तमाम फाइलें पड़ी हैं। अब पहले हम क्या करते थे, व्यूज के अंदर डायरेक्ट फाइलें पड़ी होती थी, अब मैंने व्यूज के अंदर एक और फोल्डर बना दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के अंदर मेरी फाइल पड़ी है जिसको मैं रेंडर करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या एड्रेस लिखना पड़ेगा? देखें वो फाइल पड़ी है व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर फोल्डर है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के अंदर जो फाइल है उसका क्या नाम है, न्यू हाइफन स्टूडेंट डॉट ईजीएस, ऐसे ही है ना? ठीक है ना, मैंने रेंडर करने के लिए उसको बता दिया मेरी ईजीएस की फाइल कहाँ पड़ी है जिसको रेंडर करो, अगर मैं इस यूआरएल पे गया। ठीक है, यस सर, ओके। और चूंकि उसको पता है कि तमाम ईजीएस की फाइल पड़ी होती है व्यूज के अंदर, तो मैं ये व्यूज को डिलीट कर देता हूँ। अब उसने व्यूज के अंदर तो जाना ही जाना है, व्यूज के अंदर एक फोल्डर है स्टूडेंट्स का, उसके अंदर ये फाइल पड़ी है। ये दोबारा आपको दिखाता चलूँ, जो व्यूज है ना जो मैं क्रिएट किया था, उसके अंदर मैंने फोल्डर बनाया स्टूडेंट्स का, उसके अंदर फाइल पड़ी है, तो मैंने उसको एड्रेस दे दिया कि तुम व्यूज के अंदर तो आ गए हो, अंदर स्टूडेंट का फोल्डर है, पहले उसके अंदर जाओ, उसके अंदर ये फाइल पड़ी है। और यहाँ से आप पीजीएस का लफ्ज हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैंने देखना है अगर मैं इस यूआरएल पे गया तो क्या मुझे ये जो मैंने नई ईजीएस की फाइल बनाई है ये शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन रन की। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कैन नॉट ऐप, ठीक हो गया, वो कह रहा है कि आपने ऐप का लफ्ज पहले इस्तेमाल कर लिया उसको इनिशलाइज करने से पहले, मैंने यूज किया ऐप डॉट यूज, पर मैं ऐप को तो लाइन नंबर 12 पे इनिशलाइज कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये आगे तो आम सी एरर है, आपको पता है कि जो चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है पहले उसको इनिशलाइज करना है। अब मेरा ख्याल एरर नहीं देगा, सर्वर लिस्टिंग एंड कनेक्टेड टू MongoDB, गुड हो गया ये तो। मैं आता हूँ लोकल होस्ट पे, मैंने क्या लिखा था, URL स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश न्यू, हाँ ये मेरा फॉर्म ओपन हो गया। दोबारा से दिखा दो, मैंने एक राउट लिखा, मैंने कहा कि अगर मैं स्लैश स्टूडेंट स्लैश न्यू पे जाऊं तो तुम ये वाला पेज रेंडर कर दो। ये पेज आपको पता है कि ईजीएस के पेज हमेशा पड़े होते हैं व्यूज के अंदर, ये व्यूज का फोल्डर है, ये व्यूज का फोल्डर है, इसके अंदर स्टूडेंट का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी है न्यू स्टूडेंट। अब न्यू स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, ईजीएस की फाइल है, ये HTML का कोड है, ये है H1 H1 क्या है जी, एड न्यू स्टूडेंट,
नीचे मैंने चार वो दे दी है, मैंने एक नीचे मैंने लगाया है एक फॉर्म एलिमेंट्स के चार मैंने वो दे दिए इनपुट ताकि मैं इस पर डाटा एंटर कर सकूं। अब आप ये इसको आप मैं दिखा देता हूँ, ये देखें दिस इज फर्स्ट इनपुट, ये इसका लेबल है और हर इनपुट के तीन एट्रीब्यूट्स होते ही होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है कि उस इनपुट की टाइप क्या है, टाइप इसकी जाहिर सी बात टेक्स्ट होगी। दूसरा आईडी, आईडी इस्तेमाल होता है इसको लेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए, देखें लेबल का जो फोर है ना वो और आईडी सेम होनी चाहिए। तीसरा इस इनपुट का नाम क्या है, नाम बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको रेफर कर सकें, इस इनपुट से जो डाटा आएगा ना हम उसको बुला सकें कि ये हमारा नाम है ये एज है। तो इस तरह मैंने इनपुट दिया, उसका नाम रख दिया ये, तीसरे का नाम रख दिया फोन और चौथे का नाम रख दिया एड्रेस। ये सिंपल सा फॉर्म है, मैंने आखिर में सबमिट का बटन दबाया। और फॉर्म के अंदर आपको पता है दो एट्रीब्यूट होते हैं एक्शन और मेथड। फिलहाल हम जो मेथड है ना इसको काटा करते हैं। अब जो एक्शन होता है वो क्या होता है, एक्शन होता है कि जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूंगा ना तो मेरे फॉर्म का जो डाटा है जो मैं यहाँ पे इंटर करूंगा वो डाटा कौन से यूआरएल पे जाएगा। फिलहाल ये जो डाटा है ये कौन से यूआरएल पे जा रहा है, स्लैश स्टूडेंट, और मैंने इस स्लैश स्टूडेंट के नाम से कोई रूट अभी तक बनाया ही नहीं। ठीक हो गया, तो ये एक एचटीएमएल का फॉर्म है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इधर आता हूँ। अभी तक मैंने कितने रूट बनाए हैं, एक मेरा होम पेज है और दूसरा कि मैं जो एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना चाहता हूँ उसका मुझे एक एचटीएमएल का फॉर्म मुझे चाहिए जहाँ पे मैं अपना डाटा क्रिएट कर सकूँ। अच्छा मैंने स्कीमा में कितने एट्रीब्यूट लिखे थे, स्कीमा में मैंने कितने लिखे थे जी, पांच है ना, ये नेम एज फोन एड्रेस और डेट। तो मैंने फॉर्म के अंदर भी देखे नेम भी मुझे चाहिए, एज भी चाहिए, फोन भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, और जो डेट है वो नहीं मुझे चाहिए क्योंकि डेट मैंने कहा है कि जो है ना डिफॉल्ट जो अब की डेट होगी वो खुद ब खुद आ जाए। तो मैं एचटीएमएल का फॉर्म वही बनाऊंगा जो मैंने अपने डेटाबेस की एंटिटी का स्कीमा बनाया होगा। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि मुझे यही डाटा चाहिए ना कि स्टूडेंट को डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए। ये सर क्लियर है। अच्छा अब करना क्या है, बोल बोल के मैं तो थक गया आज। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि जब मैं सबमिट के बटन को क्लिक करूं जो मैं डाटा एंटर करूंगा वो किसी रूट पे जाए। मैं फर्स्ट करें यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश स्टूडेंट, मैंने कि स्लैश मैं चाहता हूँ स्लैश स्टूडेंट पे जब मैं सबमिट का बटन दबाऊँ सारा डाटा मैं वहाँ लेके जाऊँ। तो मैं रूट्स पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया रूट लिखता हूँ ऐप डॉट गेट स्लैश स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या सेंड करूँ जी, स्टूडेंट क्रिएटेड, बस ये स्टूडेंट क्रिएटेड। चलें मैं सर्वर को दोबारा से चलाता हूँ, चल पड़ा, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिखता हूँ लाइक फिजान 22 फोन नंबर कुछ भी एड्रेस ए बी सी, इसको मैं सबमिट करूँगा। अब जैसे मैं सबमिट का बटन क्लिक करूँगा मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे सबमिट का बटन क्लिक करो जो एक्शन के अंदर यूआरएल लिखा है ना तुमने वो यूआरएल सर्च करना अपने रूट्स के अंदर, अगर तुम्हें वो यूआरएल मिल गया तो तुमने इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर देना स्लैश स्टूडेंट। तो मैंने रूट पहले लिख दिया होगा, जैसे मैं इसको सबमिट के बटन को क्लिक करूंगा स्टूडेंट क्रिएटेड, मतलब कि जैसे मैंने सबमिट का बटन क्लिक किया तो जितना भी मैंने डाटा अपने फॉर्म पे इंटर किया था वो सारे के सारा डाटा है देखिए यहाँ पे आ गया, वो सारे के सारा डाटा यूआरएल पे नजर आया। नाम मैंने लिखा फिजान, ये लिखी 22, फोन नंबर ये लिखा, एड्रेस ये लिखा, ये सारे के सारा डाटा मैंने पकड़ा। और इसको मैं पकड़ के कहाँ पे ले आया, इसको मैं पकड़ के इधर ले आया ये स्लैश स्टूडेंट के रूट पे, और यहाँ मैं सिर्फ ये प्रिंट करा रहा हूँ स्टूडेंट क्रिएटेड। ठीक हो गया, इसका मतलब मेरे फॉर्म का डाटा कहाँ जाएगा वो मैंने एक्शन के अंदर बताना है कि भाई
इस यूआरएल पे मेरे फार्म का डाटा तुम ले जाओ। अब फार्म का डाटा मैं ले तो गया हूँ, पर फार्म के डाटा को मैं रीड कैसे करूँगा? फार्म का डाटा किसके अंदर जा रहा है? यहाँ पे मुझे देख के कोई बताएगा कि जो मेरे पिछले पेज पे फार्म था, जैसे मैंने सबमिट का बटन दबाया तो फार्म का डाटा किस फार्म किस शक्ल के अंदर मेरे पास अब जा रहा है, मेरे पास मौजूद है? मेरे फार्म का डाटा मेरे यूआरएल के अंदर इम्बेड हो गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद मेरी जितनी भी इनपुट फील्ड थी ना, लाइक नेम, एज, फोन, एड्रेस, वो जो भी डाटा मैंने इनपुट फील्ड के अंदर इंटर किया था वो मेरे यूआरएल के अंदर इम्बेड हो गया, और मेरे यूआरएल के अंदर वो डाटा जा रहा है, और वो मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? वो मैं ये देखें, इस रोड का मैंने इसको एड्रेस दिया, मैं कह रहा इस रोड पे डाटा ले आ। अब मैंने डाटा को पढ़ना कैसे है? बड़ा आसान है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, मैं इस डाटा को पढ़ना चाहता हूं, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे लिखूंगा आई थिंक क्यूरी, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। मैं आके इसको रिस्टार्ट करता हूँ, जाता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे फिजान पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ। जैसे सबमिट किया वो दे गया, और देखें ये कंसोल पे क्या प्रिंट हो गया, मेरे सारे के सारा डाटा। इसका मतलब मेरा सारे के सारा डाटा मुझे किस फॉर्म पे मिलेगा, किस शक्ल में पड़ा होगा, वो इस वेरिएबल के अंदर पड़ा होगा। आज अभी तक हम यूज़ कर रहे थे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इस्तेमाल होता है हमारा रिस्पॉन्स वापस भेजने के लिए अपने क्लाइंट को, पर जब मैं यहाँ पे डाटा को सबमिट करूँगा तो ये डाटा मेरी रिक्वेस्ट के साथ जाएगा मेरे सर्वर के पास। जब ये डाटा मेरे सर्वर के पास गया तो वो सारे का सारा डाटा कहाँ पड़ा होगा? रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, उसका नाम होगा क्यूरी, तो उस क्यूरी के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें पड़ी होंगी जो कि मेरे जो है ना यूआरएल, ये सवालिया निशान के बाद यूआरएल के बाद सारा डाटा पड़ा हुआ, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर ये सारे का सारा डाटा पड़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मैंने सिर्फ एज को पढ़ना है तो एज को मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा अपने कंसोल पे, जो मैंने इसको यहाँ पे डाटा भेजा है कि एज इसकी है 22, मैंने यहाँ से सबमिट किया तो वो डाटा मेरा इधर जा रहा है यूआरएल पे। इस डाटा को मैं रीड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, और जो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी है वो ये सारे के सारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सारा डाटा पड़ा है जो मेरे यूआरएल के अंदर इम्बेड होके जा रहा है मेरे सर्वर के पास। ये मेरी रिक्वेस्ट से डाटा आ रहा है ना, मैं सिर्फ एज को पढ़ना चाहता हूँ, तो एज को पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? किसी को है कोई आइडिया? सर दोबारा बताना। मेरे पास जो मेरा फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से मैं ये सारे का सारा डाटा लेके अपने सर्वर के पास जा रहा हूँ। बाद में मैं सर्वर को कहूँगा ये सारे का सारा डाटा स्टूडेंट का जो टेबल है उसके अंदर सेव कर दो, तो ये डाटा नेम, एज, फोन, एड्रेस है। मैं यहाँ से सबमिट का बटन क्लिक करता हूँ, ये सारा डाटा जा रहा है मेरे यूआरएल के अंदर। अब यूआरएल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी को, मतलब मेरे यूआरएल के अंदर जितना भी डाटा होगा ना फॉर्म का वो पड़ा होगा क्यूरी ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो क्यूरी का ऑब्जेक्ट है वो ये है। देखें जो भी डाटा मैंने इनपुट के अंदर इंटर किया था वो सारे के सारा मेरी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर पड़ा है। अब मुझे सिर्फ फर्ज करें इसकी जो डाटा में से है ना एज, एज पढ़नी है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर तो सारे का सारा डाटा पड़ा है जो कि सर फिर ऑब्जेक्ट हम डॉट लगा के उस एट्रीब्यूट को करेंगे, नेम लिख लेंगे। सर नेम लिखेंगे, लाइक मुझे अगर एज चाहिए तो मैं एज पे यूँ करता हूँ, मैं इसको मतलब एज पे हमको एक ही एट्रीब्यूट चाहिए तो हम उसे एट्रीब्यूट का नेम लिख देंगे ना, फिर उसे पता चलेगा ये सिर्फ ये एक एट्रीब्यूट ही चाहिए इसको, बाकी नहीं चाहिए। बाकी नीचे मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो ये देखें अब की बार सिर्फ एज प्रिंट हुई है 22, पहले सारे सारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था। कहने का मतलब ये, जब आपके पास डाटा आएगा ना आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल बनाने हैं, आपने लिखना नेम पर है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट नेम, फिर एज बराबर है
रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट एज, वो तीसरी क्या चीज है, एड्रेस फोन नंबर है ना, फोन बराबर है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट फोन, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें ऐसे क्यों है, ये जो आपने रखे ना यहाँ पे नाम इसका, अब जो ये नाम है ना नेम, यहाँ पे आप रख सकते हैं एप्पल, आपका ये जो इनपुट है इसका नाम वही होगा जिससे आप इसको रेफर करेंगे। मैंने इसका नाम रखा नेम, इसका नाम रखा एज, तो सर एक क्वेश्चन है सर, इन जनरल हमारे पास एक क्लास होती है जिसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन सर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो सर हम यहाँ पे डेटाबेस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं लाइक उसके एंटिटीज, तो सर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास क्लास के बजाय रादर देन हमारे पास के हैं टेबल के हैं वो, या उस एंटिटी के हैं। हाँ जी, हमारे पास जो स्टूडेंट का टेबल है ना जी सर, उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें सेव कराना चाहते हैं, ये सारी की सारी नेम एज फोन एड्रेस डेट, तो उस स्टूडेंट के टेबल के अंदर। अब हमें ये डाटा भी तो चाहिए जो हमने सेव करना है, तो ये डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, हमने एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाया, इस फॉर्म के अंदर यूजर अपना डाटा एंटर करेगा, वो सबमिट का बटन दबाएगा और वो फॉर्म का डाटा जाएगा इधर यूआरएल के अंदर, उसको हमने पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी का इस्तेमाल किया और तमाम का तमाम डाटा लैदा लैदा ये सेव कर लिया। अब हम डाटाबेस को कहेंगे कि तुम स्टूडेंट का एक नई रो क्रिएट करो स्टूडेंट के टेबल में, और उसकी जो है ना नेम का कॉलम उसके अंदर ये वाली वैल्यू रख दो, उसकी जो एज का कॉलम है उसके अंदर ये वाली वैल्यू रख दो, फोन के कॉलम के अंदर ये वाली वैल्यू रख दो। हमारा लॉजिक कुछ इस तरह से चलेगा क्योंकि हमने डाटा तो पकड़ना है ना कहीं ना कहीं से। अभी हमारे स्टूडेंट का टेबल खाली है, तो उस खाली टेबल के अंदर पहली रो को इंसर्ट करने के लिए मुझे डाटा तो चाहिए, लाइक आपके यूएमटी में नेम बच्चे ने एडमिट किया, तो आप इस यहाँ पे जाओगे, आप वहाँ पे एडमिशन ऑफिस में बैठे हो, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसका डाटा लिख के सबमिट पे क्लिक करोगे, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप बैक एंड पे आपका लिखा होगा लॉजिक कि आप इस रूट पे आओगे, सारा का सारा डाटा आपने फॉर्म का यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, और फिर यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ सेव इट टू स्टूडेंट टेबल, आप यहाँ पे कोई बड़ा सारा लिखोगे लॉजिक जो कि उसको स्टूडेंट के टेबल के अंदर सेव कर रहा होगा। फिलहाल हम वो लॉजिक नहीं लिख रहे, फिलहाल मैं सिर्फ एचटीएमएल के फॉर्म का डाटा आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, डाटा जब हम पढ़ लेंगे फिर हम इस डाटा को स्टूडेंट के टेबल के अंदर सेव करवाएंगे। सही हो गया? अच्छा, डाटा एचटीएमएल के फॉर्म के अंदर कैसे जाता है, फर्ज करें कि मैंने फॉर्म है, मैं इसका नाम रख दूं एप्पल, मैंने नाम रख दिया एप्पल, मैं इधर आता हूँ, रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, चलिए इसको सबमिट किया। अब देखें नेम नॉमी अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, देखते हैं। अच्छा ये एज इसके बारे में सर हमारे अटेंडेंस ले रहे हैं, हमारी नेक्स्ट भी क्लास है अभी। अच्छा, अभी आपकी क्लास कितने में शुरू हो रही है सर? 12:30 भी होती है, लेकिन सर थोड़ा सा पहले स्टार्ट करते थे ताकि वो ऑनलाइन ना थे, इसलिए सर। तो सर कहते हैं सर टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, अदरवाइज लाइक वो अटेंडेंस का इशू हो जाता फिर। चलिए मैं अटेंडेंस आपकी देखूंगा किस ने अटेंड किया। अच्छा, ये जो मेरा सेकेंड वाला इनपुट है इसका मैंने नाम क्या रखा है सर? आप अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्डिंग से करेंगे, मतलब जिसने लेक्चर अटेंड किया वहां से करेंगे जूम डाटा? मैं वीडियो में देखूंगा जूम डाटा में कि कौन कौन आया हुआ है, अभी तो अटेंडेंस नहीं सकती ना, मैं अपने ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ। ओके सर, मैंने सेकंड इनपुट का नाम रखा है एप्पल, तो इसका क्या असर हुआ जब मैंने डाटा को सबमिट किया, देखें पहला नेम है, दूसरे का क्या नाम है,
एप्पल, इसका एप्पल आ मतलब गया। जो, इसका मतलब जो मैं अपने इनपुट का नाम रखूंगा वो सबसे अहम है। आपने अपने इनपुट का वही नाम रखना है आपका टेबल के अंदर उस कॉलम का जो नाम होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, एक्सट्रैक्ट, आपके कॉलम का नाम तो एज है, तो आपको अपने इनपुट का नाम भी एज ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको एप्पल यूज करना पड़ेगा, ये का नाम तो ना हुआ ना। तो जो है ना नेम, वो आपने वही रखने हैं जो आपके स्कीमा के अंदर आपने डिफाइन किए होंगे, ताकि आपको पहचान सके कि किस इनपुट की वैल्यू आप कौन से कॉलम के अंदर सेव करेंगे। और जब आप इसका नाम नहीं रखेंगे तो डाटा सेंड ही नहीं होगा। लाइक अगर मैं जो है ये है ना पहला, इसमें से नेम के एट्रीब्यूट को हटा दूं, मैं इधर आता हूँ, नेम के एट्रीब्यूट को हटाया मैंने, मैं वापस जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे फिजान लिखता हूँ, एज लिखता हूँ, फोन नंबर लिखता हूँ, एड्रेस लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ। अब देखें यहाँ पे नेम नाम का जो मैंने जहाँ फिजान लिखा था वो सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इधर वो सबमिट ही नहीं हो रहा। वो सबमिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इस इनपुट का नाम ही नहीं रखा। इसलिए आपने अपने इनपुट का नाम लाजमी रखना है। पिछले सेमेस्टर में बच्चों ने इनपुट का नाम रखते नहीं थे, वो कहते थे सर सर्वर के पास डाटा ही नहीं जा रहा। तो जो सबसे अहम प्रॉपर्टी वो होती है कि नेम के बगैर आपके इनपुट का डाटा सर्वर के पास जा ही नहीं सकता। और आपने नेम वही रखना है जो आपने स्कीमा में लिखा होता है किसी खास के, ये नाम है, ये एज है, तो नेम रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, हमने भी फॉर्म पे और डिस्कशन करनी थी। अभी हम क्रेड के क्रिएट की तरफ नहीं गए, क्योंकि फॉर्म को समझना पहले लाजमी है। तो बस इतना ही समझ लें कि जो एक्शन के एट्रीब्यूट है वो सारे के सारा डाटा लेके जा रहा है इस एड्रेस पे, और ये एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दी है, और इस एड्रेस पे जाके मैं सारे का सारा डाटा पढ़ रहा हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट नेम, जो नेम का इनपुट है उसके अंदर कौन सा डाटा था, वो फिजान था, यहाँ पे फिजान आ जाएगा, यहाँ पे एज आ जाएगी, यहाँ फोन नंबर आ जाएगा। फिर मैं एक लॉजिक लिखूंगा, उसके अंदर मैं ये तमाम के तमाम डाटा स्टूडेंट के टेबल के पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सेव कर दूँगा, क्योंकि वो एक नया स्टूडेंट क्रिएट करो, उसका नाम ये है, उसकी एज है, उसका फोन नंबर ये है। चलिए फिलहाल इतना ही, हमने आज MongoDB के का क्लस्टर क्रिएट करना सीखा, MongoDB के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं हमने ये सीखा, और हमने एक HTML फॉर्म बनाया, और फॉर्म के कितने एट्रीब्यूट होते हैं, उसकी टाइप, उसकी आईडी और उसका नाम जो सबसे ज़रूरी है। और जब हम सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो एक्शन पे जो यूआरएल होता है उस यूआरएल पे हम जाते हैं और अपना डाटा वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। फिर इस डाटा के साथ क्या करना है हम अपने अगले लेक्चर पे देखेंगे। यहाँ तक ठीक है? यस सर। चलें, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अभी तक ये पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई। ये शुरू में समझाने के लिए ज़रा समझने वाले को भी समझ नहीं आई होती, जैसे ये करंट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा आप कहेंगे ये तो बड़ा ही इजी इजी है, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए हमें ज़रा तोड़ के चलना पड़ता है कि यार ये फार्म सर ऐसे। हाँ जी, तो वैसे मैं पूछा था कि हम इसको दूसरी इसमें कर सकते थे, PHP और यानी कि MySQL में अटैच करके दूसरी डेटाबेस में। सब कुछ कर सकते हैं, पाइथन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर ये आज का लेक्चर बस अपलोड कर दीजिएगा। ठीक हाँ जी, अभी मुझे थोड़ी देर बाद इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जैसे रिकॉर्डिंग आएगी मैं फिर LMS पे कर दूँ। चलें फिर, अब आप लोगों का अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो मैं फिर साइन ऑफ करता हूँ, और इंशाअल्लाह ये हम क्रेड को 3-4 लेक्चर्स में देखेंगे, आपको बड़ा इजी लगेगा, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। ओके सर। चलें ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।